आज हमने बनाया है कृष्ण जी के लिए मटके वाला खीर, और ये हमारा मटके वाला खीर बनकर तैयार है। ये जितना अच्छा दिख रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इसे बनाने के लिए हमने आधा लीटर गाय का दूध लिया है, और ये हमने मिल्क पाउडर लिया है छोटा वाला पैकेट, एक पैकेट चीनी, चावल, केसर और थोड़े ड्राई फ्रूट्स और इलायची। अब यह मटकी को से हम गैस पे चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। इसमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसमें आँच का हमें एकदम मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसे गर्म करना है अंडी को, नहीं तो फटने का डर रहता है। कभी कभी हम आँच फुल करके इसे गर्म करते हैं ना तो ये फट जाता है, इसीलिए एकदम से मीडियम और लो के बीच ही हमें गैस आँच इसका रखना है, गैस का फ्लेम हमें। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता चला दें, देखिए ये हमारा उबाल आने वाला है दूध में। जब हम एक उबाल आ जाए दूध में, तब जो चावल हमने रखा था उसे हम धोकर इसमें डाल दें। अब हमने डाल दिया है, इसे थोड़ा टाइम लगता है मीडियम आंच पर, मगर बहुत ही बनकर टेस्टी लगता है खाने में। खीर में जो ये सोनापन आता है ना दूध का, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से बनाएं। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, इसे और भी मीडियम से लो कर दें आँच, नहीं तो ये दूध हमारा उबल कर ऊपर ना आ जाए। हमने अपने आँच को एकदम लो फ्लेम कर दिया है गैस को, और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए हमारा चावल आधा पक चुका है। थोड़ी देर के बाद हमने इसे देखा लो फ्लेम है एकदम, ये धीमे धीमे पक रहा है। अब ये हमारा खीर लगता है बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम चेक कर लेंगे। अब इसमें हमने चीनी जो रखा था स्वाद के अनुसार, आपको जैसा मीठा पसंद है आप उस तरीके से अपना मीठा कर सकते हैं। हमने चीनी डाल दिया है, मिल्क पाउडर भी हमने ऊपर से डाल दिया है। अब इसे हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसे हम ढककर पका लेंगे, चीनी घुल जाए तब तक। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसे हमने कट कर लिया है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डाल सकते हैं। अब इसमें हम मिक्स कर दिए हैं, अब इसे भी हम आहिस्ता आहिस्ता चला लेंगे, फिर 1 मिनट तक इसे भी हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं, और ये हमारा खीर बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी इस तरीके से खीर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसे हम थोड़ी देर ढककर छोड़ देंगे। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे बोलने में थोड़ी बहुत गलती हो गई उसके लिए माफ़ करें। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय, बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण जी के लिए मटके में खीर रेडी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।